हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिरर्स, दर्पण है आज का हमारा टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे और अवतल और उत्तल दर्पण के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, सेकंड होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, समतल दर्पण जिसे कहते हैं, समतल दर्पण जो आपके घर के दीवार पर टंगी हुई आपको मिल जाती है, समतल दर्पण होता है जिसका सतह एकदम समतल होता है, प्लेन होता है, वो होता है प्लेन मिरर। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब गोल, जैसा कि फुटबॉल का साइज होता है उसी साइज का होता है ये स्फेरिकल मिरर। लेकिन इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्केव मतलब अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। कॉन्केव या अवतल दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर से ही तोड़ के बनाते हैं। इन दोनों दर्पणों को हम लोग स्फेरिकल मिरर को तोड़ कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्केव का मतलब, इसमें केव आता है ना, केव तो मतलब एक गुफा जैसी होती है, गुफा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक गुफा जैसी है, ये गुफा जैसा होता है ये मिरर। यहाँ से रोशनी आती है और यहाँ पर आपको भीतरी भाग में आपका प्रतिबिंब नज़र आता है। यहाँ से रोशनी आती है और आपके भीतरी भाग में, इस दर्पण के जो भीतरी भाग है, इस केव के भीतरी भाग में आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आता है। वहीं उत्तल लेंस, उत्तल मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो इसके बाहरी सतह पर आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आता है। जैसे कि अगर आप इसको एक गोला माने, एक स्फेयर माने, तो इस स्फेयर के भीतरी भाग में देख रहे हैं आप, भीतरी भाग में आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आएगा। वहीं उत्तल दर्पण में इसको भी स्फेयर माने तो इसके बाहरी सतह पर आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आएगा, ठीक है। अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण के बाहरी सतह में हम लोग सिल्वर की कोटिंग करते हैं। सिल्वर मतलब चांदी की परत हम लोग चढ़ाते हैं और उसके ऊपर में काला रंग का एक और परत चढ़ाते हैं, जिसके वजह से हम लोग अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। मान लीजिए अगर ये परत ना चढ़े तो ये जो स्फेयर है, ये जो कांच का टुकड़ा है, स्फेयर को तोड़ कर जो हम लोगों ने मिरर बनाया है, ये तो पारदर्शी रहेगा। पारदर्शी अगर है तो प्रकाश जो है आर पार चला जाएगा, ठीक है। अगर आर पार चला गया तो प्रतिबिंब तो बनेगी ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिल्वर कोटिंग करते हैं अवतल दर्पण के बाहरी सतह पर और उत्तल दर्पण के भीतरी सतह पर हम लोग सिल्वर की कोटिंग करते हैं, जिसके वजह से हम लोग अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। ये कॉनकेव मिरर जो होता है, ये एक बड़ा सा स्फेयर, एक बड़ा सा गोला का भाग होता है, ये दोनों ही एक बड़े से गोले का भाग होते हैं। यहाँ पर आप बड़ा चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है, इसके बाहरी सतह पर सिल्वर कोटिंग किए गए हैं और कॉन्वेक्स के भीतरी सतह पर सिल्वर कोटिंग किया गया है, ठीक। और इस बड़े से गोले में से तोड़ कर जो है हम लोगों को ये मिरर प्राप्त हुआ है। यहाँ भी देखिए, ये मिरर हम लोग को प्राप्त हुआ है इस बड़े से स्फेयर में से, गोले में से तोड़ कर। अब बात करते हैं, ये जो बड़ा सा स्फेयर है,
ये जो बड़ा सा स्फेयर है इसका तो कोई सेंटर होगा, तो वो सेंटर ये है, तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो आपको एम एन के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस दिख रही है एम एन के बीच में, इसको हम लोग लीनियर अपर्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीनियर अपर्चर। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोल की। ये जो आपको मिरर मिला, ये जो आपको मिरर मिला, इसके जो मध्य बिंदु है, इसके जो मध्य बिंदु है, इसको कहते हैं हम लोग पोल, इसी का नाम है पोल। यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन कलर के जो डॉट से मैंने दिखाया है, किसको कहते हैं? पोल। इसी को कहते हैं पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट और ये पोल, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो बड़ा सा गोला है, बड़ा सा होलो स्फीयर है, बड़ा सा होलो स्फीयर है, इसके रेडियस को, मतलब ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेस एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ पर सारी की सारी पैरेलल लाइट की किरणें, सारी सारी पैरेलल लाइट जो होता है, प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही हैं उस जगह पर, ठीक है, इसी को कहते हैं फोकस। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है, ये जो मिरर है इस पर पैरेलल रेस आई, एक दूसरे के समानांतर किरणें आ रही हैं और इस मिरर पर टकरा रही हैं। यहाँ भी पैरेलल रेस आ रही है, समानांतर किरणें आ रही हैं और मिरर पर टकरा रही हैं। इस मिरर में क्या हो रहा है? टकरा कर इस दिशा में चली जा रही हैं, ऐसे हो जा रही हैं। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया कि कॉनकेव मिरर जो है, देखिए हम लोगों ने यहाँ जो पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये जो मिरर्स होती हैं, कॉनकेव मिरर जो है वो प्रकाश की किरणें जब समानांतर पड़ती हैं तो वो एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाती हैं, ठीक है, इसको एनिमेशन से समझते हैं। देखिए ये जो है ये टकरा कर एक पॉइंट पर केंद्रित हो जा रही हैं और यहाँ पर जो है ये अलग अलग बिखर जा रही हैं, ठीक, तो इसको ही कन्वर्जिंग नेचर कहते हैं, कन्वर्जिंग नेचर कहते हैं, ठीक है, इसके कारण इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है और इसका नाम डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं इसको, क्योंकि ये सारी रेस डाइवर्ज हो जाती हैं, एक जगह पर नहीं आती हैं, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फोकस की। तो फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर मिरर से टकराकर किरणें मिलती हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं। यहाँ पर कॉनकेव मिरर में आप देख रहे हैं कि ये इस जगह पर मिल रही हैं,
ठीक है, सारी की सारी किरणें टकराकर इस जगह पर मिल रही हैं, तो इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। देखिए कैपिटल एफ है, इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ये जो है ये हमारा रियल फोकस है, रियल फोकस है। क्यों क्यों इसे रियल फोकस कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर किरणें जो हैं एक्चुअल में असली में आपस में मिल रही हैं। ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि ये मिल रही है, बल्कि ये हकीकत में आपस में मिल रही हैं इस पॉइंट पर, जिसके वजह से इसे रियल फोकस कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें, तो इस मिरर में क्या हो रहा है कि सारी के सारी किरणें तो डाइवर्ज हो जा रही हैं, ये तो कभी मिलेंगी नहीं आपस में। इस साइड चलती जाएं तो भी आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या करते हैं, इसके पीछे हम लोग जाते हैं, मिरर के पीछे में। तो मिरर के पीछे में अगर देखें तो ये आपस में इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये वर्चुअली मिल रही हैं, मतलब असल में तो ये मिलती नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये यहाँ पर मिल रही हैं, जिसके कारण इसे वर्चुअल फोकस कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। इसे भी कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ, इसे स्मॉल एफ, छोटा हाथ का एफ से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये जो पोल है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो हम लोगों ने पोल लिया था मिरर का, जो सेंटर हुआ, सेंटर पॉइंट, उसको पोल कहते हैं। तो इस पोल से इस फोकस के बीच की दूरी को, इस पोल से इस फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग एफ कहते हैं। एफ मतलब फोकल लेंथ, छोटा हाथ का एफ से डिनोट इसे किया जाता है, ठीक। इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, पोल से लेकर फोकस के बीच के डिस्टेंस को। तो इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हम लोगों ने पीछे देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ये जो होता है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसका आधा होता है, इसका आधा होता है, ठीक है। इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। अगर कभी सवाल आए फोकल लेंथ ज्ञात करने के लिए, फोकल लेंथ कितना है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय टू। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही है, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का फोकल प्लेन, हम लोग का फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का फोकल प्लेन। देखिए ये जो हम लोग का फोकस है, इस पर अगर हम एक वर्टिकली एक सतह ड्रॉ करें, ठीक, वर्टिकली एक सतह ड्रॉ करें, तो उस सतह को, उस तल को ही हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक। उस सतह को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। इसको 3D में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सतह है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है, सतह जो है उसी को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक। इसी को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन मिरर।
रे डायग्राम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि मिरर्स में हम लोग रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं।